चुनाव में अब चंद दिनों का समय बचा है, जल्द ही चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ब्यौरा दिया कि प्रदेश के कुल कितने वोटर्स हैं, यानी प्रदेश में कितने मतदाता हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के चलते उन्होंने अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग ने ये भी बताया कि वो कैसे इस चुनाव को कंडक्ट कराएगा, जैसे कि कितने बूथ बनाए जाएंगे और वोटर्स को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने जो मतदाता सूची जारी की है उसे सेकेंड स्पेशल समरी रिव्यू 2023 नाम दिया गया है। इसके अनुसार प्रदेश में वोटरों की संख्या बताई गई। एमपी में सामान्य मतदाताओं की संख्या 5,60,60,925 है, जिसमें मेल वोटर 2,88,25,607 है, जबकि महिला मतदाता 2,72,33,945 है। प्रदेश में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स हैं और यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान बीते कुछ दिनों से महिला वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में थर्ड जेंडर 1,373 वोटर्स हैं। इसके अलावा प्रदेश में पोस्टल बैटल वाले मतदाता भी हैं और उनकी संख्या 75,304 है, जिसमें 73,020 पुरुष जबकि 2,284 महिला मतदाता है। इनमें सभी को मिलाकर प्रदेश में कुल वोटर की संख्या 5,61,36,229 पहुंच जाती है। एमपी मुख्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि इस प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 64,523 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही बताया कि चुनाव में वृद्ध वोटर्स के लिए खास व्यवस्था की जाएगी। 80 साल से ज्यादा की उम्र वाले मतदाता बूथ की जगह अपने घर से ही वोट डाल पाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।